गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम करुणा बरसाओ तुम, गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा।
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपीनाथ सर्व उपद्रव संवनम शांतिदम सर्वारिष्टम हरे नामानुकीर्तन। इसका मतलब है भगवान का नाम कीर्तन करने से कहते जितने रोग है ना, कहते सर्व रोग उपशमनम, जितने सारे रोग सबसे सब खत्म हो जाता है। देखो हमारे गुरु जी के एक शिष्य का नाम कथा सुना था, ध्यान देकर सुनो, कहाँ जा रहे हो रोटी बनाने के लिए? जब कथा हो ना उठनी नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं हमारे गुरु जी के शिष्य थे जो नौकरी करते थे, लेकिन उनको कैंसर, डॉक्टर नबील आपका कैंसर है,
बोले कितना समय जिंदा रहूंगा, बोले 6 महीना। उन्होंने जवाब दे दिया 6 महीना। जब उसने सुना 6 महीना में मर जाऊंगा, बोले फिर नौकरी कर दिया। उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। फिर तो जो भगवान का जो नाम है ना, पहले तो इतना भगवान का नाम जप नहीं कर रहा था, लेकिन जब सुना मेरे पास में केवल 6 महीना है 6 महीना केवल मेरे पास में, फिर तो उसने दिन में 1,00,000 प्रभु का नाम जप करना दिया। कितना नाम? 1,00,000 नाम। 1,00,000 अब कितना है? 64 माला। हाँ, 1,00,000 आप लोग देख लो, 1,00,000 कितने होता है। आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक समय महाप्रभु के भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में आपका भोजन है। भगवान बोले देखो सबको घर में हम भोजन नहीं करते। बोले किसको घर में भोजन करते हैं? बोले जो लखपति बनेगा। जो और उसी समय लखपति मतलब है आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोगों ने बोले हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब कितना? 100 स्वर्ण मोहर है। कहते हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं। आप तो कह रहे हो जो लखपति बनेगा उसको घर में ही भोजन करेंगे, फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? तो भगवान ने कहा जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो ठाकुर जी का 1,00,000 नाम जप करता है। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूं गली गली। कहते असली लखपति कौन है? बोले रोजाना जो ठाकुर का 1,00,000 नाम जप करता है वो असली लखपति। आप लोग देख लो कितना, 1,00,000 कितने होता है। जैसे ये माला है ना, जैसे माला में जैसे हरे कृष्ण आप सब मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें एक मोती सरकार था। फिर और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दो मूर्ति सरकाते हैं, देखो सब कर लगा कितने होता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना बार हुआ? 16 बार हुआ। तो एक जो मूर्ति सरकाए ना, जो 16 हो गया, इसमें 108 मूर्ति है। जब यहाँ खत्म हो जाए इसको पार नहीं करेंगे, चाहे इसे घुमा देना चाहिए, फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर इसे 16 माला कर लिया था उसमें हो गया 25 आ जाए, अगर उसमें 64 माला कर ली उसमें हो गया 1,00,000। कितना हो गया? भगवान कह रहे हैं तुमने 1,00,000 नाम नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गए। ये कौन करे? ठाकुर जी कह रहे हैं। इसलिए मीरा कहती है जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो खंगाल हो गए। बोले ये धन को जीवन में जो तो लूट लिया वो तो बड़े बड़े माला माल हो गए। बोले कौन कौन? बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। तुलसीदास का नाम सुने, मीरा का नाम सुने होंगे, हनुमान जी का भी नाम सुने होंगे। सुने हो हनुमान जी का नाम? इनके घर घर में पूजा किस लिए हो रही है? बंदर की पूजा करते हुए। बंदर घर में घुस जाए ना उसको कहते साफ कर दो, अपवित्र हो गया। लेकिन बंदर को घर घर में पूजा कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि एक ही कारण है मैं राम का नाम लेता हूँ। क्या करता हूँ? राम का नाम लेता हूँ, राम की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं एक बंदर होने पर भी जगत में मेरी इतने पूजा है। इसलिए मीरा का नाम जानते हो? मीरा का नाम सुने कि नहीं है? लेकिन जगत में तो बहुत स्त्रियां हुई है, हमारी माँ की माँ भी चले गए। दुनिया कोई नाम लेता है उनके? क्या कोई लेता है नाम? लेकिन मीरा की नाम हम क्यों ले रहे हैं? कारण क्या है? कारण है उसने भगवान की भक्ति किया है, भगवान की भजन किया है, इसलिए जगत में इनकी इतने पूजा हो रही है। इसलिए कहते हैं असली जो माल है कहते भगवान के नाम रूप माल है। उन्होंने किया क्या? रोज रोज 1,00,000 नाम जप किया। कौन? जिसको डॉक्टर ने बोलते इसका कैंसर हो गया, 6 महीना तो बचने वाले। देखो उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने धीरे धीरे प्रभु का नाम जप करना शुरू किया ना, उसका धीरे 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 शरीर असुस्थ हो गया था, धीरे धीरे इसका शरीर सुस्त होने लग गया, सही होने लग गया। जानते हो कितना दिन तक जिंदा रही उसने? उसको बाद में उसने 16 साल तक उसने जिंदा रहा। कितना जिंदा रहा? 16 साल। आगे आगे बैठे आगे बैठे कहते उसने 16 साल तक उसने जिंदा रहा जगत में, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि बोले 6 महीना में तो मरने वाले।
लेकिन भगवान का नाम इतने शक्ति कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम है जो अमंगल को दूर कर देता है ठाकुर जी का नाम। इसलिए उन्होंने भगवान का नाम लाख लाख रोज एक एक लाख हरि नाम जप किया। तो 16 साल तक तो पूरा 76 मतलब इतना उम्र तक रहा, फिर उसके बाद में उसने शरीर छोड़ा। इसलिए कहते सर्प रोग विनाशनम, भगवान का नाम लेने से जितने बीमारी है ना कहते सारी बीमारी को ये दूर कर देता है। सर्व रोग उपशमनम सर्व व्याधि विनाशनम बोले शांति दम, भगवान का नाम लेने से परम शांति मिलता है। शांति मिलते कि नहीं, तभी तो सत्संग हम सबके सब आते हैं। कहते ना ठाकुर का नाम में बड़े शांति मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलता है। शांति किस लिए ठाकुर का नाम में शांति क्यों मिलती है? कारण है जो भगवान है वो सच्चिदानंद रूप है, भगवान सत स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है और भगवान ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उनका नाम में इतने शांति, इतने भगवान का नाम में इतने सुख है। इसलिए कहते तो भगवान का नाम ग्रहण करने से जीवन का जितने पाप है सारे पाप जीवन में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ठाकुर जी का नाम में इतने शक्ति है, कहते राम ना सकई नाम गुण गाई। कहते भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को ठाकुर भी नाम की महिमा ठाकुर भी नहीं बता सकते हैं, इतने नाम की महिमा है। गुरु गोस्वामी जी कहते हैं अगर किसी तरह से भी प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए, एक उदाहरण देते हैं जैसे खेती में अब देखे हो कैसे गेहूं बोते हैं, देखे हो कैसे खेती में कैसे गेहूं बोते हैं, देखे हो कौन कौन देखे हो? आप लोगों ने कोई पेड़ लगाया हो कभी? कोई पेड़ जिंदगी में कभी लगाया कि नहीं? कौन कौन कोई पेड़ लगाया, हाथ उठाओ। जिंदगी में कोई पेड़ नहीं लगाएगा। देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जैसे गेहूं का पेड़ कोई भी बीज हो जब मिट्टी में हम गाड़ देते हैं उल्टा बोए नहीं तो सुलटा बोए, लेकिन पेड़ जब होता है कैसे होता है? सीधा। कैसे होता है पेड़? वो पेड़ सीधा होती है, जब वैसे बीज को जैसे भी बो दो वो सीधा हो जाती है। इसलिए कहते भगवान का नाम किसी तरह से भी जैसे तैसे भी भगवान का नाम ले लो ना, लेकिन उसका जो फल है वो फल पूरा पूरा सीधा होगा। इसलिए आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने होंगे रामायण में। ये वाल्मीकि पहले दशरथ ना करता डाकू डालता था, डाकू था ये। जब नारद से मिले बोले बाबा निकालो क्या तेरे पास में, बोला भैया संत हाँ पास में तो लोटे सोटे लंगोटे तीन चीज है, बोले जो कुछ हो निकाल। नारद जी ने कहा ये बताओ तुम जो ये पाप कर्म करके पैसा कमाते हो किसको भाग अंशीदार कौन बोलेगा? बोले मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे पिता माता। बोले देख ये सब सुख का समय में तेरे साथ दिख रहे हैं, जब दुख आएगा ना कोई तेरे साथ नहीं देगा। जब पूछ कर पूछने के लिए गया अपना बीवी से पूछा, ये जो झूठ मूठ बेईमानी करके पैसा कमा रहा हूँ चोरी डकैते करके तू अंशीदारी बनी बनी? बोले मैं क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा है, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। पिता माता से पूछे आप लोगों के लिए? बोले क्यों, तेरे को लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा किस लिए बनाया, कितना कष्ट करके तुमको लिखा पढ़ा सिखा कर बड़ा बनाया, अभी पैसा मैंने कैसे कमाया था मेरे को पता, तू कैसे कमाते हो मेरे को पता नहीं। बाबा तो सही बता रहे थे। बच्चों को पूछे, बच्चों ने कहा अब तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है हमको लिखा पढ़ा सिखा कर बड़ा करना, जब हम पैसा कमाएंगे फिर हमें हम सोचेंगे हम कैसे पैसा कमा रहे हैं, आपका पाप पैसा दान कोई नहीं ले। बोले बाबा तो सही बता रहे थे, सब सुख का समय सब साथ दिख रहे हैं, दुख में कोई देने वाले नहीं। फिर तो बाबा आए वापस, बोले बाबा आप सही बता रहे, ये तो कोई भी पाप कर्म लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे, सबके सब पुण्य लेने के लिए तैयारी, पाप लेने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं। बोले बताओ इतना दिन जो पाप करो वो क्या उधार गए? तो उन्होंने बोले बोलो राम, बोलो बोलो जोर से राम। हम तो राम बोल दिए लेकिन वो इतना पाप कर्म किया था उसका मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, उसका मुंह से क्यों? पाप है ना, पाप कर्म किया है। इसलिए भगवान कहते जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर जन्म, भगवान का नाम कौन ले सकता है? बोले पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की निष्कपट में सेवा पूजा किया वही ले सकता है, भगवान का नाम सभी नहीं ले सकते। देखना जब माताएं एक कट बैठ जाते हैं ना, हम कभी कभी जाकर देखते हैं 8-10 बैठे हुए सब क्या बात करते हैं, दुनियादारी, उसकी बेटी ये हो गई, उसकी बहू को साथ में सास बन नहीं रही है, उसकी छोरी वहां भाग गई, सारा दुनिया की बात करते हुए देखे। लेकिन बोलो भैया एक माला का समय कहा है?
समय का हमारे पास में भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि जो पापी है ना उनका मुंह से उनका नाम ही नहीं निकलेगा। जो पुण्यात्मा वो व्यक्ति भगवान का नाम ले सकते हैं, है पुण्यात्मा ही ले सकते हैं, इसलिए उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोलता था ना मारो मारो, तू मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ। देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति है। बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि का नाम सुने ना, टीवी में सीरियल आए लव कुश देखे हो? लव कुश देखे हो? वो वाल्मीकि पहले दशरथ नागर था, लेकिन मरा 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 बोला। आप लोग सबके सब मरा मरा बोले, अपने अब राम राम हो गया। इसलिए भगवान का नाम उल्टा लो ना, वो अपने आप सीधा हो जाती है। मरा मरा करते करते राम राम हो गया। और इतने विद्वान इतने ज्ञानी बने, भगवान राम आने से पहले रामायण ने लिख चुका था। अब टीवी में देखे होंगे ना लव कुश क्या बोल रहे हैं। जब भगवान राम ने बोले इतना सुंदर तुम भजन गा रहे हो, किसने सिखाया? बोले गुरु जी ने सिखाया। आपका सारे चरित्र को गुरु जी पहले से ही दिव्य ज्ञान से देख लिया और उन्होंने रचना करके हम लोगों को पढ़ाया है। सब पहले गुरुजी ने देख लिया आप क्या क्या लीला करेंगे, गुरुजी हम सबको सिखाया है, हैं? इसलिए भगवान के नाम जब करोगे ना उसमें इतने शक्ति प्रभु का नाम में, जो सोच भी नहीं सकते प्रभु का नाम में इतने शक्ति। जगत में जितने सबकी पूजा हो रही ना, जो जितने प्रभु का नाम जप किया, कभी कभी अभी का जो लड़का लड़की है ना कहती हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बन गए। सब चाहते ना कि बड़ी इच्छा हम हीरो हीरोइन बनी। आप बताओ 10 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी जो चले गए उसका नाम दुनिया में कोई ले रहा है? हीरो हीरोइन का नाम कोई हो रहा है? लेकिन हनुमान का नाम हो रहा है कि नहीं? बताओ हनुमान की हर घर में पूजा करते कि नहीं? आप बताओ हनुमान जी कब आए? बोले 5 करोड़ साल हो गए। बताओ कितना साल हनुमान कितना साल पहले आए, बता सकते हो? बताओ कितना साल पहले आए? त्रेता जी है हनुमान, कितना साल पहले आए? त्रेता जी। बोले कितना साल त्रेता जी हुए? कहते कलयुग का जो परमायु 4,32,000 साल, द्वापर का जो परमायु इसको डबल कर दो कलयुग को, त्रेता जी का परमायु कलयुग का 3 गुना कर दो, होने पर त्रेता जी। इतने करोड़ों साल पहले का ही हनुमान जी आए, अभी भी घर घर में उसकी। तुलसीदास कब आए? मीराबाई कब आए? ध्रुव प्रभात जी सत्ययुग में करोड़ों साल पहले आए, लेकिन अभी देखो उनका जगत में नाम इनकी जगत में हो रही है। गीता भागवत में इनका नाम सब जगह में इनकी कथा कर रहे हैं। इसलिए कहते अगर हीरो हीरोइन बनना ना, हनुमान जैसे हीरो बन जाओ, मीराबाई जैसे हीरोइन बन जाओ। देखो जब तक दुनिया रहेगा ना तब तक तुम्हारी जगत में नाम होता रहेगा, कभी ये नाम मिटेगा नहीं। जैसे कभी प्रलय होगा, प्रलय में विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, लेकिन जब फिर जगत सृष्टि होता है फिर इनका नाम आएगा, फिर दोबारा इनके नाम आएगा। क्यों? गीता भागवत ये नित्य है, गीता भागवत ये नित्य, ये गीता भागवत है। फिर दोबारा जगत में गीता भागवत आए, फिर उनकी नाम हुई। इसलिए अगर हम जगत में बड़ा बनना चाहते हैं, कैसे बड़े बने? बोले भगवान की भक्त बन करके बड़ा बन जाओ, ठीक है ना? भगवान की भक्त हो जाओ, बड़े बन जाओ, जगत में तुम्हारी नाम जगत में अमर हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम में बड़ा शक्ति है। जिन लोगों का पढ़ाई कमजोरी है ना, प्रभु का नाम जप करो, देखना पढ़ाई बढ़िया होने लग जाएगी। पढ़ाई कब अच्छा होगा बताओ? मन जब स्थिर हो, मन अगर इधर उधर भटक तो ये रहे, पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन जब मन तुम्हारी एकाग्र हो तो भाई पढ़ाई हो सकती हो। जो कृष्ण शब्द है, ये कृष्ण शब्द मतलब क्या है? ये कृष्ण ये संस्कृत शब्द है। क्री मतलब होता है आकर्षण करना। क्री मतलब क्या है? अपना तरह में आकर्षण करना। इसका मन भटकता है कृष्ण नाम लो, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। अर्सना मतलब होता है आनंद देना। कृष्णा क्री मतलब ये संस्कृत आकर खींचना, अर्सना मतलब आनंद देना है। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण नाम जब करो तुम्हारे मन इधर उधर नहीं भटेगा। हाँ मन इधर उधर नहीं जाएगा, पढ़ाई तभी होगा मन जब एकाग्र होगा तब तो पढ़ाई होगा ना। ये कृष्ण नाम जब करने पर तुम्हारे मन अब स्वयं सवेरे बैठ करके एक माला भगवान का नाम जब करते ना, सारा दिन तुम्हारे मन इधर उधर जाएगा नहीं है, इधर उधर जाएगा नहीं, पढ़ाई बढ़िया होगी। खुद देख ले भगवान का नाम इतने शक्ति है। इसलिए अगर जो चाहते हैं पढ़ाई हमारे बढ़िया हो ना, सबर उठ करके एक माला जप करो, खुद देख लेना भगवान का नाम लेकर। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, भगवान का नाम लेने से सारे अमंगल जीवन में दूर हो जाएगा, जीवन में मंगल मंगलमय आएगा। इस चीज को करके खुद देख ले,
सवेरे उठ कर एक माला जप करके देखो पढ़ाई में कितना मन लगता है तुम्हारा, ठीक है? इसलिए सबके सब मेरे पीछे पीछे ताली बजाते हैं, थोड़ा कीर्तन करो, ठीक है? भगवान का नाम बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे इंदौर के रहने वाले और वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनका तनख्वाह 1,00,000 रुपया की तनख्वाह है, लेकिन अभी वो कंप्यूटर में अभी घर से काम करते हैं ना, इसलिए इनको बुला कर लाई, वो घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से काम कर रहे हैं घर में। अभी ये तुम लोग कुछ क्लास देंगे, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति से क्या होता है, भक्ति का क्या महत्व है, भजन जीवन में क्या जरूरत है भजन, ये सब अभी तुम लोग कथा सुना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो अभी गुरु जी ने थोड़ी देर पहले भगवान के नाम की महिमा बताई। भगवान के नाम का बहुत 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 फल है। आप लोग सब वेद पुराण को तो मानते होंगे, ऐसा तो कोई नहीं जो नहीं मानता, सब लोग मानते हैं ना। आप मानते हैं? देखो पद्म पुराण का एक श्लोक है, उसमें क्या कह रहे हैं भगवान के नाम की महिमा क्या है। को कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ति न सम सतम से। इसमें बोला गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, जब ग्रहण के समय हम लोग दान देते हैं ना, बोला किसी व्यक्ति ने क्या करा 1 करोड़ गाय दान करी। कितनी गाय? गो कोटि, 1 करोड़ गाय दान करी। फिर क्या बोला ग्रहणे खगस्य, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके जिमाया और इतने में बैठा नहीं, यज्ञ किया और दान क्या दिया सुमेरु, सुमेरु माने हिमालय पर्वत जैसा सोना, इतना सोना क्या किया दान में दे दिया। ये सब करने पर भी इसकी हम बराबर नहीं कर सकते गोविंद कीर्तिर ना समम सतम शेष। अगर 100% का एक ले ले हम, 1% से भी इस पूरे को कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान के नाम कितनी महिमा, इसीलिए एक बार फिर से हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग संसार के अंदर जो भी कार्य करते हैं सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक क्यों करते हैं? सुख के लिए, सुख शांति, ताकि हमारा जीवन बिल्कुल ठीक ठीक चले। इसलिए ये हमारा प्रयास होता है जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना आए, हम स्वस्थ रहे, इसलिए हम LIC पॉलिसी ले लेते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हैं, पूरे परिवार की ले लेते हैं। ले लेते हैं ना, क्यों? कोई दिक्कत आएगी तो हम क्या करेंगे, उसका यूज कर लेंगे और हम बच जाएंगे। इसी कारण से तो करते हैं ना, हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं ओनली टू बिकम हैप्पी, इसके अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये खुशी मिलेगी कैसे, ये खुशी मिलेगी कैसे? हमारे भागवत के अंदर एक बहुत सुंदर एक वृत्तांत बताया है कि ये संसार के अंदर जो जीव है ना, वो सुख को किस प्रकार से भोगता है, किस प्रकार से सुख को भोगता है। उसमें बताया कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था और उसके पीछे शेर पड़ गया, बड़ा भयंकर शेर पड़ गया, वो डर के मारे भागा। भागते 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 उसने देखा कि अरे एक डाली है, पेड़ इस पे लटक जाता, जैसे ही पेड़ पे लटका तो उसने क्या देखा, नीचे भयंकर एक कुआं, और वो डाली पे ऐसे लटक गया, ना चढ़ सकता है ना उतर सकता है। अब कुआं जो था, जब बिजली चमकी तो देखा कुएं के अंदर एक भयंकर काला सांप बैठा हुआ, बस वो गिरा और सांप ने काट लिया। और ऊपर देखा तो शेर भी खड़ा हुआ है कुएं में झांक रहा, कभी ऊपर आया तो उसको मैं खा लूं, समझ आ रहा है? वो व्यक्ति वहां गिरा हुआ। उतने में उसने क्या देखा कि उस पेड़ के जो छत्ता है ना, जिस डाली पे लटका हुआ था, उस डाली के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ है। अब वो जब डाली पे लटका तो मधुमक्खी का छत्ता क्या हो गया, हिल गया। मधुमक्खी सोची कि ये कौन दुश्मन आ गया, सारी मधुमक्खी जाकर के उसको काटने लगी। इसको देख करके वो आदमी जो बड़ी दुख में बड़े कष्ट में है, उतने में उसने क्या देखा कि वो जो 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 कुआं होता है ना, उसमें जो छेद होते हैं, सब देखा होगा कुआं, उन छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से चूहे हैं दो, एक सफेद रंग का है और एक काले रंग का, दो चूहे निकल करके आए और जिस डाली पर लटका है ना, उस डाली कुतर 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 करके काटते हैं। कैसे कुतरते हैं ना, चूहे नींद नहीं आती रात में, हमारे कमरे में घुस जाता है एक चूहा, सारी रात समझ देता है, वो उसमें कुतरने लगा। अब वो जो आदमी है वो देख रहा है,
उसको, वो देख रहा है ऐसे करके और डर रहा है, बड़े भय में है, कष्ट में, मधुमक्खी ने काटा, नीचे सांप, ऊपर शेर, कैसी परिस्थिति है, बड़ी खतरनाक परिस्थिति। उतने समय में क्या हुआ, जब डाली हिली ना तो वो जो शहद का छत्ता था उससे दो बूंद शहद निकला और आकर के उसके यहाँ गिर गया मुंह पे। उसने ऐसे करके जवान से चाटो, बोला मजा आ गया, आनंद। अब बताओ उसको सचमुच में आनंद है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं आनंद, बताओ, आपको अब कौन बताएगा, वो आनंद में है, सुख में है, खुशी में है, दुखी है, क्या है बताओ, वो भयंकर खतरनाक परिस्थिति के अंदर है। वो जो शहर सोच रहा है ना उसको मजा मिल गया थोड़ा सा, वो मजा वास्तव में है नहीं, थोड़ी देर में वो जो चूहे कुतर देंगे किसको, उस डाली को, गिर जाएगा नीचे, ऊपर चढ़ेगा तो खा लेगा शेर। ये कौन है व्यक्ति, इस दुनिया में कभी किसी इस व्यक्ति को देखा है, किसी ने देखा है किसी व्यक्ति को, ये सब व्यक्ति हम है। ये व्यक्ति कौन है, हम। वो शेर कौन है, काल, लगातार हमारे पीछे पीछे चल रहा है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। सच में चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब मानते ना इसको, काल चल रहा है, काल बिलोना छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी चोला माटी घेरा, सुना ये भजन, काल पीछे 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 चल रहा है, पता नहीं कब किसको खा जा रहा है। और वो जो भाग करके जो डाली पे लटक गया, ये डाली क्या है, जो संसार में हम लोग, जो हमारे जो कर्म है, जो हमारी आयु है, जितने समय के लिए हम संसार में आए हैं, वो क्या है, डाली। नीचे जो सांप है वो भी काल का स्वरूप है, आगे भी काल है और पीछे भी काली है। और वो जो दो चूहे थे वो क्या है, मधुमक्खी का छत्ता क्या है, जो मधुमक्खी है वो है हमारे जीवन में जो कष्ट क्लेश आते हैं। हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरिका दास, थोड़े थोड़े सब दुखी है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये चार प्रकार के क्लेश सभी को ही है। और इनमें भी सबसे जो मुख्य, जो चार प्रकार की जो प्रॉब्लम है, द मेन प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान गीता में कह रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम, हमें पता ही नहीं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम वो होती है जो सबके लिए कॉमन होनी चाहिए, अगर यूजर स्पेसिफिक है ना, अगर पर्सन स्पेसिफिक है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो किसी के लिए प्रॉब्लम होगी, किसी के लिए सॉल्यूशन होगा। एक उदाहरण दूं, उदाहरण देते हैं, जैसे कल बड़ौत में बहुत जोर से बारिश हुई, एक प्रॉब्लम, ठंड के अंदर इतनी जोर की बारिश हो जाना, लोग ठंड में वैसे परेशान, प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन किसी के लिए सॉल्यूशन भी है, बताओ कौन है, किसान, वेरी गुड, ताली बजाओ दीदी के लिए, देखो, हो सकता है कोई किसान हो, उसके पास में पानी चलाने को ना हो, खेतों में मोटर ना हो, वो बोल रहा हो भगवान बारिश हो जाए, खेती अच्छी हो जाएगी, वो प्रार्थना कर रहा होगा। और जिसका छप्पर का घर होगा, जिसके ऊपर पानी आ जाएगा अंदर, वो बोला कि भगवान इतनी जोर के बादल आ गए, बारिश नहीं होनी चाहिए। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब एक के लिए प्रॉब्लम है, एक के लिए सॉल्यूशन है। और बारिश के अंदर जो लोग अपने दुकान में छाते लटका करके बैठे बेचने के लिए, उनके बिक जाएंगे, वो तो इतना खुश होगा, अरे घर जाके बताएगा, अरे सुनती हो बारिश आई, पांच छाते बिक गए, सच बात है ना, खुश हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारा, हम पढ़ नहीं पा रहे, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या कमजोर है दिमाग से, या पास नहीं हो पा रहे, इनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसके लिए तो सॉल्यूशन है। वो तो सोच ही रहा है कि बच्चे आजकल ऐसे पैदा हो जाए तो मैं क्लास भरी रहे, है ना, ऐसा है ना प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम, और कोई बताएगा, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लगता है, फिर मैं बताऊंगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जो भगवान ने गीता में बताया। नए लोग बताओ, नए लोग कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, जो पहली बार यहाँ करके बैठे हैं, जो परमानेंट सबके लिए प्रॉब्लम हो। हाँ, आप बताओ, आप बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम, लाइफ सर्कमस्टेंस जो होते हैं, जैसे जो फ्लड वगैरह, फ्लड, नेचुरल कैलामिटीज, बहुत अच्छी, इनके लिए भी ताली बजाओ, सही बोल रहे हो, नेचुरल कैलामिटीज है, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ये सारे के सारे चीज आ गई। अगर ये अर्थक्वेक बाढ़ आती है, इससे आने से क्या होता है, सारे के सारे अफरा तफरी मच जाते हैं, लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारे उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा है ना, उसमें एक फैनी करके तूफान आया था, उससे क्या हुआ,
बहुत नुकसान हुआ। क्या हुआ? भयंकर नुकसान हुआ। लेकिन वो नुकसान के बाद क्या हुआ? वहां पे जो लेबर कॉस्ट थी ना वो चार गुना हो गई। कितनी हो गई? चार गुना। जिस काम को कराने के 500 रुपए हुआ, दो दो ढाई हजार में भी कोई नहीं करेगा, सबका काम चल रहा है। वहां पे जितने मजदूर बोलो अच्छा है तो आते रहना, अच्छी कारोबार बढ़िया चीज है वो, उसके उनके लिए क्या बन गया? हो उनके लिए तो अच्छा हो गया। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि हम सोचते हैं ये हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एक्चुअल में प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्योंकि अनुकूल नहीं है। हम उसे क्या समझ लेते हैं? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो चार है बस, मृत्यु, जन्म, जरा और व्याधि। इनसे कोई बच नहीं सकता, इनको कोई चाहता भी नहीं है, है? और क्या है, ये सबको आएंगे। इनसे कोई सचमुच भी बच सकता है क्या, बताओ? जन्म से कोई बचा? पर यहाँ तो मृत्यु, पहले हम क्या लेते हैं? मृत्यु। मृत्यु प्रॉब्लम है, ये सबको आती है, इसको कोई चाहता है, इसे कोई बच सकता है? ऑल कंडीशन फुलफिल्ड। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? मृत्यु, बुढ़ापा, सबको आएगा, भले ही कितना खींच लो। ब्यूटी पार्लर में जा करके वो मैंने एक बार वो देखा था, वो क्या बोलते हैं, वो एक एक्ट्रेस है ना, रेखा रेखा, उसका मेकअप देखा था, वो यूट्यूब पे आया था, वो सब इतना मोटा लेयर, कितना ही छुपा लो छुपेगा नहीं। और वो बुढ़ापा छुपा भी लिया तो क्या हुआ, वो थोड़े दिन में घर जाके जब मुंह धोएगी तो दिख ही जाएगा क्या है बुढ़ापा, सबको आएगा। और ये दिखना नहीं है केवल, बुढ़ापे में बड़ी समस्या है, बूढ़े लोग होंगे उनसे पूछो जाकर के, कोई नहीं पूछता। फिर उसके बाद में क्या है? जरा, माने बीमारियां, प्रॉब्लम है ना, ये भी हमें सबको आती, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको आती रहती है। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है तो किसी को मानसिक प्रॉब्लम आ जाती है। पहले शारीरिक प्रॉब्लम का दौर था, है ना, आजकल सीवियर शारीरिक प्रॉब्लम और अब मानसिक प्रॉब्लम लोगों को होती है। हाइपरटेंशन, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज होते कि नहीं होते? अभी तीन चार दिन नहीं 10-15 दिन पहले हम लोग दिल्ली में गए थे, गुरु जी के एक शिष्य है उनके घर में प्रोग्राम था, वो गए। वो क्या है, वो दिल्ली के सबसे टॉप क्लास मेंटलिस्ट है, काउंसलिंग करते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, साइकेट्रिस्ट, उनके पास में लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और वो सबका इलाज करते हैं। और उनकी बहुत ज्यादा फीस है, बहुत ज्यादा फीस है, बहुत अमीर है, बहुत बड़ा घर है उनका दिल्ली में, 3-4 जगह ऑफिस है, हापुड़ में इधर उधर जाते हैं और जाने माने डॉक्टर है। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में मैंने बंद कर रखा है तो ठीक है, वरना लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है ऑफिस के बाहर में। और अभी भी मैंने बंद कर रखा है ना तो फोन पे, बस लोग क्या बोलते हैं, बस 5 मिनट फोन पे बात कर लो, पैसा जो बोलोगे हम आपको दे देंगे। ये बीमारी, मैंने उन डॉक्टर से बात करी तो वो क्या बोले पता है, बोला 1986 से पहले हमारे पास कोई भी नहीं आता था, हमारे पास में कोई भी नहीं आता था, ये मेंटलिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास में कोई भारत में पूछता भी नहीं था कोई। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया 1986 के बाद में, ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे लोग इतने प्रॉब्लम में बढ़ती चली जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों की जॉइंट फैमिली थी टूट करके न्यूक्लियर हो गई है ना, ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण क्या है, जो लोगों की वैल्यूज थी वो बहुत गिर गई है नीचे, बहुत ज्यादा नीचे वैल्यूज गिर गई है, इस कारण से ये प्रॉब्लम आती जा रही है। मैंने उनसे पूछा किस टाइप के इश्यूज आते हैं, तो ज्यादा करके इश्यूज ये आते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, दोनों मिलते नहीं है और बच्चों को कौन पाले, ये जब मिलते लड़ते ही यहाँ आ जाते लड़ते हुए। वो कह रहा कि वो इनको समझाते समझाते रात को मेरा बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर बोला उनको समझाते समझाते पैसे तो दे जाते हैं लेकिन सारे अपने घर की उल्टी यहाँ कर जाते हैं, सच बात है ना। फिर उसने बड़ा एक विचित्र केस समझाया जिसको सुन करके ना, वो कह रहा था कि ये तो एक केस मैंने आपको समझाया, दिल्ली में सारे केस ऐसे हो चुके। उसने बोला दिल्ली के अंदर अब पैसे की कमी नहीं रहेगी, लोगों के पास बहुत पैसा हो गया। उसने केस बताया कि चौथी क्लास के बच्चे को उसके पिताजी लेकर के आए, बोला इसकी थोड़ी काउंसलिंग कर दो। मैंने बोला फोर्थ क्लास का बच्चा है, इसको क्या काउंसलिंग चाहिए, वो आया बच्चा बैठ गया। मैंने पूछा उसके पिताजी से क्या प्रॉब्लम है, तो कह रहा है कि इसको मैंने बहुत पैसा लगा करके और देहरादून के एक अच्छे टॉप क्लास स्कूल में मैंने उसका एडमिशन कराया, लेकिन ये बच्चा ना वहां पढ़ना नहीं चाहता, पहले तो चला गया, अब आकर के क्या बोल रहे यही पढ़ूंगा दिल्ली में। तो बोला आप इसको थोड़ा समझाओ, डॉक्टर को बोला थोड़ा समझाओ, तो डॉक्टर बोला ठीक है आप बाहर जाओ मैं बच्चे से बात करता हूँ। बच्चे से बात करी तो बच्चे से पूछा बोले बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जाना चाहते तुम वहां पर? तो बच्चा बोला आप जानते हो
मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, करोड़पति आदमी है, और इसके अंडर में पता नहीं कितने 50 एमटेक और कितने इंजीनियर्स काम करते हैं। हमारे पास में 16-17 गाड़ी है, BMW, मर्सिडीज। और पता है अंकल, जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, जब स्कूल के लिए निकलता हूँ ना, बस आती है मेरे को लेने, मैं जान मुझ के बस छोड़ देता हूँ। फिर क्या होता है, मेरे पापा मुझे BMW कार में छोड़ करके आते हैं, और फिर क्या होता है, फिर मैं उनसे बोलता हूँ पापा मैं भी चलाऊंगा तो मुझे भी दे देते हैं। और अब इन्होंने मेरे को देहरादून में डाल दिया, मैं अकेला हूँ, इतने सारे पैसे का क्या करेंगे, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो यहाँ आऊंगा, ये पापा की सब गाड़ी चलाऊंगा, सब चलाऊंगा। आपने कभी BMW चलाई अंकल? बहुत अच्छा लगता है। अंकल घबरा गए सुन करके, बोले नहीं बेटा हमारे पास तो नहीं है BMW का, हमने तो ली नहीं, हमारा काम तो इसी से चल जाता है। वो जो डॉक्टर है वो बोला कि ये एक नहीं मल्टीपल केसेस जैसे दिन में वहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हस्बैंड है और वाइफ है वो दोनों की दोनों किस में लगे हुए हैं? पैसा कमाने में। और पैसा कमाते 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 जो सचमुच में जो बच्चों को वैल्यूज देनी थी वो तो दी नहीं। स्कूल में क्या सिखाते हैं? हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू सेल योरसेल्फ, यही तो सिखाते हैं ना, कैसे तुम्हें अपने आप को बेचना है, बिक जाओ मार्केट में जाकर के, अपने अंदर इतनी योग्यता कर लो कि कोई कंपनी आए तुम्हें 1 करोड़ में 2 करोड़ में साल के 10 लाख 20 लाख 15 लाख में खरीद ले। सच बात है ना, स्कूल में यही तो सिखाते ना, और क्या सिखाते बताओ। लेकिन जो वास्तव जो शिक्षा देनी थी वो तो रह गई। लाइफ के अंदर जो वैल्यूज होती है, जो मोरल होता है, हमारे अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, ये सब कहाँ मिलेंगी? ये सब गीता में मिलेंगी। अदरवाइज क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स से कभी अंत होने वाला नहीं है। सुख की खोज कभी भी खत्म नहीं होने वाली। अब ये सुख की खोज खत्म कैसे होगी, सुख की खोज खत्म कैसे होगी, अच्छा प्रश्न है। एक आदमी था, ध्यान से सुनो, एक आदमी था, वो दुकान पर गया और दुकान थी ये जो स्वीट शॉप होती है ना, स्वीट शॉप पे गया और जाकर के बोला भैया जरा एक डोना दे देना, एक डोना मिलेगा? बोला डोने का क्या करोगे? बोला बस डोना ही चाहिए। बोला अरे चल आगे। आ गया सुबह सुबह पकाना डोना लेने, जो डोना जिसमें डाल करके मिठाई देते हैं ना, कटोरी लेने चला गया। तो वो दुकान वाला क्या हो गया, बोले क्या डोना मांग रहा है, सुबह सुबह शायद बेवकूफ बना रहा है, उसको भगा दिया, बोले जाओ। फिर वो बाहर आया, कई बार आया डोना मांगने, उसको नहीं दिया डोना। जैसे या तो समझ लो या तो दूध का, जैसे अब इसके अंदर शिक्षा क्या है ये समझो। फिर जब थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आया, उसने क्या बोला, अगर वो व्यक्ति वापस जाएगा और बोलेगा, बोला भैया मुझे एक काम करो, एक रसगुल्ला दे दो। क्या दे दो? एक रसगुल्ला दे दो। तो वो रसगुल्ला जब देगा व्यक्ति, तो डोना साथ में देगा कि नहीं देगा? फ्री देगा ना, साथ में डोना फ्री नहीं है, फ्री है क्या? दुकान वाले ने तो पैसे में खरीदा है ना, यहाँ तो कोई दुकान वाला तो नहीं है, दुकान वाले ने फ्री में खरीदा है ना उसको। लेकिन जब रसगुल्ले के साथ देगा तो डोना फ्री देगा। डोने की वैल्यू है, लेकिन रसगुल्ले की इतनी वैल्यू है कि डोना फ्री। इससे क्या सीखने को मिल रहा है, शिक्षा क्या है इसके अंदर? जो मूल्यवान वस्तु को अगर हम लक्ष्य करें तो जो छोटी मोटी वस्तु है वो साथ में चली आती है। ये मूल्यवान वस्तु क्या है? ये कृष्ण भक्ति। ये क्या है? रसगुल्ला माने कृष्ण भक्ति। ये कृष्ण भक्ति, भजन, भगवान का नाम, ये मूल्यवान वस्तु है। लेकिन हम मूल्यवान वस्तु को छोड़ करके वो डोने के पीछे भागते हैं। डोना क्या है? ये संसार। संसार क्या है? ये डोना है, भी डोने जैसा ही खाली। जब तक उसमें भगवान नहीं होंगे ना, संसार में कुछ भी नहीं है। बोलते ना, जिधर देखता हो तुम्हारी ही सत्ता, तुम्हारे बिना डोल सकता ना पत्ता। सुना है? भगवान के बिना कुछ भी संसार में नहीं हो सकता। लेकिन हम खाली डोना, ये संसार जड़ है। सब क्या है? ये जड़। आनंद कहाँ पे है? चेतन में। जड़ में आनंद नहीं है, चेतन में आनंद है। और जो चेतन की भी चेतना स्वरूप, उसका भी जो मूल स्वरूप कौन है? भगवान। उनको छोड़ करके अगर हम डोने में आनंद ढूंढेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कृष्ण, अगर भगवान की भक्ति सचमुच में करेंगे तो वो अपने आप ये चीज फ्री में मिलेगी। और जैसे डोना फ्री में मिला ना, ये क्या मिलेगी? फ्री में मिलेगी। इसलिए बोला सब फल दे भक्ति परम संबल। हम लोग कर्म करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसका फल देने वाला कौन है? उसके फल देने वाली भक्ति है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें जो चीज हमारे रुके हुए काम है सब धीरे 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 होने लग जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है।
और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें आउटडेटेड हो गई है, हम लोग बड़े लिटरेट हो गए हैं, अब हमारे को ऐसी कोई वस्तु भगवान की भक्ति गीता ये सब पुरानी चीज है। पहले लोगों के पास कुछ काम नहीं था, है ना, उनके पास कुछ नहीं था तो वो क्या करते थे, रामायण देखते थे, गीता वीता पढ़ लेते थे, ऐसे करते करते अपना जीवन निकाल के मर गए बेकार लोग। हम तो एंजॉय कर रहे, हम एंजॉय करते क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, जॉगिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, है? ये करते हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, हम लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। स्थिति तो सबकी वही है, वो जो शहद के चक्कर में जो आदमी लटका हुआ है ना डाली पे, तो शुरू में बताया था स्थिति वही है सबकी, कोई इसको बदल नहीं सकता। ये काल किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे रावण जैसा बलशाली हो, चाहे बाली जैसा हो, किसी को भी ये काल नहीं छोड़ता। लेकिन समय रहते रहते अगर भगवान की भक्ति कर ली, भगवान के नाम कर लिया, और ये गीता, गीता के अंदर इतनी विशेष बातें हैं, गीता स्कूल ऑफ साइंस, अगर हम सोचते हैं कि गीता केवल एक ग्रंथ है, अगर गीता बस एक पढ़ने की वस्तु, ऐसा नहीं है। गीता एक विज्ञान है, उसके अंदर सभी प्रकार का मटेरियल उपलब्ध है, गीता के अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। कितने बड़े बड़े लोग गीता के बारे में बोलते हैं, कितने कितने हेराल्ड का मैं सुन रहा था, वो कह रहा था इतना बड़ा राइटर है दुनिया का, कह रहा था कि जब भी मेरे को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं गीता कोई भी श्लोक उठा के पढ़ लेता हूँ, मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई भी श्लोक। एक वो फिल्म एक्टर है ना आयुष्मान खुराना का, नाम सुना है आयुष्मान खुराना, पिक्चर आती है उसकी, अभी कल परसों उसका एक इंटरव्यू आया, उसने इस्कॉन में गया था इंटरव्यू, जाकर के बोला कि मैं हमेशा अपने जेब में क्या रखता हूँ, गीता, पॉकेट जैसे गीता होती है, पॉकेट गीता रखता हूँ। जब भी मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, जब मैं नेगेटिव फील करता हूँ, आई ऑलवेज रीड गीता, उससे मुझे लाइफ में सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए अगर हमें भी सचमुच में ही सॉल्यूशन चाहिए, ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जो चार है, यही एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अभी हम जिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, ये है प्रॉब्लम चार। बोल कौन रहा है, स्वयं कृष्ण, भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, भगवान की भक्ति। और भक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस भगवान का नाम ले लेना ही भक्ति है। अब प्रश्न हो सकता है कि ये नाम, बस ये नाम लेने से हो जाएगा, हाँ नाम लेने से हो जाएगा, नाम लेने से हो जाता है, इस संसार में भी नाम लेने से बहुत कुछ हो जाता है, पता है। अगर आप जो है, आपके जो पिताजी हैं, अगर MLA है, MP है, कहीं गए, किस पुलिस ने रोक लिया, तो बोले जानते हो कौन है, खिड़की से थोड़ा निकाल करके, वो जानते हो पिताजी है, बात कराए क्या, मंत्री है, ऐसे से बोलते हैं ना यूपी में, तो अच्छा स्टाइल है बोलने का, और भी बढ़िया स्टाइल है, छोड़ देते, वो व्यक्ति भी नहीं आया, वो जो मंत्री होगा, होगा कि भी नहीं होगा पता नहीं, वो नाम से ही बस निकाल करके बोला राजा भैया के वहां से, सब खुल जाएंगे सारे के, खटखट करके गए हो, निकल करके। नाम चलता है कि नहीं चलता है, नाम से होता है। जब इस साधारण जगत में एक दो कोड़ी का नेता जो 5 साल बाद हट जाएगा, दर दर भीख मांगता घूमेगा, वोट दे दो वोट दे दो, जब उसका नाम चल सकता है, तो भगवान सर्व कारण कारण जगत में जितनी जो वस्तु हो रही है, कण कण में वास करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। जब प्रहलाद से पूछा उसके पिताजी ने, क्या भगवान भगवान लगा रहे, कहाँ है भगवान, प्रहलाद जी से बोला ना, प्रहलाद छोटे बच्चे, कहाँ है भगवान, देखो प्रहलाद जी ने क्या बोला, इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा, जतो यतो यामी ततो नरसिंगा, बाहे नरसिंगा हृदय नरसिंगा, नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। बोला मुझे तो हर जगह क्या दिखते हैं, भगवान दिखते हैं। क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, यस, ये तो भागवती कथा है, कितने साल पुरानी, और भी पुराणों में कथा है, नरसिंह पुराण सब में कथा है, लेकिन अभी 8-9 साल पहले आपको पता है, न्यूज में सुना होगा, गॉड पार्टिकल, सभी एटम्स के अंदर पहले तो कहां तक पहुंचे थे, सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो क्या बोले, एटम, फिर उसके बाद बोले कि नहीं नहीं एटम इससे भी छोटा कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बोला नहीं उसके अंदर में भी न्यूक्लियस है, दोनों कॉम्बिनेशन है। अब क्या बोल रहे हैं, सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो है गॉड पार्टिकल, हर जगह एक ऐसा पार्टिकल है जो उस पार्टिकल को काम करने की शक्ति देता है। और वो कॉन्सेप्ट कहां से लिया, भारत के एक साइंटिस्ट थे बोस, उनसे वो कॉन्सेप्ट को लेकर के रिसर्च हुई थी, इसलिए उस पार्टिकल का नाम रखा गया हिग्स बोसोन। क्या नाम रखा, हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल। आज जाकर गूगल में इसको
सर्च कर लेना। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कब बोला? पता नहीं कितने लाख करोड़ साल पहले। इसलिए हमारे शास्त्रों को आपको मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। और हम तो सौभाग्य हमारा भारत में जन्म हुआ है। विदेशी लोग आजकल भक्ति करते हैं, हमसे बहुत आगे चले गए, हम लोग पीछे रह गए। इसलिए जल्दी जल्दी भाग करके गीता पढ़ करके हमें भक्ति करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। समय खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसी डाली पर लटके, शेर पीछे खड़ा हुआ है। ये बोल करके वाणी को विराम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमने सुना की कथा, हम चाहते तुम भी ऐसे बने, बनना चाहते अपना काम भी करो, अपना काम करो, पढ़ाई करो अच्छे तरह से, ठीक है, अच्छे तरह से पढ़ाई करो, अपना काम भी बढ़िया से करो। देखो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं बैठे बैठे, और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू। आप लोग चाहते हो आपके बच्चे भी ऐसे बने, चाहते हो बच्चे? देखो हमारे बड़ी गुरु जी एक समय एक बात बोल रहे थे, एक व्यक्ति ने आकर बोले, गुरु जी बच्चा बात नहीं सुनता है। बच्चा तो हमारे गुरु जी को इतनी कीमती बात बताई, बोले बेटा रामायण कोई पढ़े हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को भी रामायण पढ़ा है? बोले नहीं। बोले जब खुद नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ाओगे तो बेटा आदर कैसे करेगा? क्योंकि रामायण में ही लिखा हुआ, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमा। ये रामायण में ही लिखा हुआ है। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले किसके चरण छूते थे? पिता माता के चरण छूते थे। अब रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज शयन किए हुए भगवान राम स्वयं चरण सेवा करते, देखे रामायण में। और भगवान राम पिताजी के आदेश पालन करने के लिए कितना साल जंगल में गए? बोला आप सबके साथ 14 साल गए ना। अपना बेटों को बोले 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन करने के लिए 14 दिन, नहीं तो 1 दिन के लिए जा, बेटा जाएगा? अपना मन मर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने चले जाएगा, लेकिन पिता माता की बात नहीं सुनेगा। हमारे गुरु जी कहते थे बात को, बोले जब तक खुद भजन नहीं करोगे, रामायण गीता नहीं पढ़ोगे, तब तक ये बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ये बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। गुरु जी कहते थे पहला जो भक्ति है पिता माता को, पहले भक्ति पिता माता को करना पड़ेगा। क्योंकि जो पहला जो गुरु कौन है? कहते पिता माता हमारे पहला गुरु, ये पिता माता है। सबसे संस्कार पिता माता से ही पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हो बच्चे हमारी बात सुने, हैं, बच्चे भक्ति करें, घर भगवान के धाम बने। भगवान जहाँ रहते थे वो राज्य का नाम अयोध्या। क्या नाम था? क्या जोर से बोला? अयोध्या। मतलब क्या? जहाँ पर युद्ध नहीं होता था, युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, हैं? उसका नाम था अवध। अवध क्या था? अवध मतलब क्या? जहाँ कोई मरते नहीं, वध किसकी नहीं होता था। अगर हमारे घर में रामायण पढ़ी होगी, अगर रामायण पढ़ेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे ना, हमारे घर भी अवध हो जाएगा, हमारे घर भी अयोध्या हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़ा हमारी नहीं होगी, घर में घर शांति बना रहेगा। इसलिए लेकिन ये संस्कार, सबसे संस्कार पहले किसको पड़ेगा? पहले पिता माता का। अगर मैया दिन भर टीवी देख रही है, दिन भर स्मार्टफोन चला रही है, कोई गीता भक्ति से कोई मतलब नहीं, बच्चा को संस्कार कहाँ से पड़ेगा? वो पढ़ ही नहीं सकते। देखो इसका प्रमाण देखो, हमारे उमा दीदी देखो, जानते हो उमा दीदी? जानते हो इनको? देखो देखो ये भक्ति करती है, मंदिर में आती है, इसका भोग देखो, थोड़ा घूम जाओ, देखो इसको तिलक लगा के नहीं, देखो तिलक लगा के, इस गले में देखो माला है, इसका एक बेटा है और एक बेटी है, ये मंदिर में आता है, उसका जो बेटा मंदिर में जाता है माधव, हाँ, इसका बेटा का नाम भगवान का नाम रखा माधव नाम रखा, मंदिर में आकर ना हमारे सामने बैठी जाती है, बैठी करके माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। कल कल आया, बोले गुरु जी मैंने 4 माला कर दी, हाँ, कहते गुरु जी मैंने 4 माला कर दी। और इनके जो पति आती है, माँ परिक्रमा करती है, मंदिर की परिक्रमा करती है, दोनों आती है परिक्रमा करती है, बच्चे भी पीछे 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 बच्चे भी पीछे पीछे घूमते हैं। इसलिए पहला संस्कार माँ से पड़ेगा, है, दिन भर स्मार्टफोन चलाओगे, टीवी को सामने बैठ रहोगे, भजन भजन से कोई मत, तुम बच्चे को जितने लाख बोल लो तेरा बेटा नहीं करेगा, क्यों? खुद तुम नहीं करते हो। पहला गुरु तो माता है, सबसे पहले बच्चा का ज्यादा समय बीतता है माँ की गोद में, हैं? पहले संस्कार वहां से पड़ता है। अगर चाहते हो हमारा बेटा राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, बच्चे लव कुश जैसे हो, है, नाती पोती, अरे क्या तो खुद को भजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गले में तुलसी कंठी पहना, तिलक लगा, देखो ये कितने कम उम्र के, देखो कितने कम उम्र के, देखो ये तिलक लगाई, गले में कंठी पहनी, हरिनाम करती है, हरिनाम करती है, भगवान की भक्ति करती है, मंदिर आती है,
इसलिए आप लोग भी हरि नाम करो, ठीक है ना। हरि नाम पहले खुद करो, उसके बाद फिर बच्चों को बताओ। पहले खुद हरि नाम करो, तिलक लगाओ, भगवान का माला जप करो, ठाकुर का हरि नाम करो, एकादशी व्रत रखो, घर में प्याज लहसुन मत खाया करो, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ। प्याज लहसुन को घर में 9 दिन तक प्याज लहसुन आप लोग खाते नहीं नवरात्रि में, क्योंकि जो प्याज लहसुन ये गैया का मांस से ये प्याज बना है, गैया की हड्डी से लहसुन बना है, इसलिए नवरात्रि में इसको 9 दिन तक कोई घर में घुसाते नहीं है। इसलिए जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ। क्या करो ठाकुर जी को कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे मैंने खाना है। अगर भगवान के प्रसाद खाओगे मन अपने आप बदलेगा, क्योंकि अन्न जैसे खाओगे मन भी वैसे बदलेगा। इसलिए जो कुछ खाओ ठाकुर को सामने धर दो, तुलसी बता दे करके। सुदामा का नाम सुने होंगे ना, सुना सुदामा का नाम, पहले ये गरीबी था फिर बाद में धनी बना। गरीबी क्यों बना, आप टीवी में देखे होंगे जब ये गुरुकुल में गए थे पिताजी, उनको गुरु माता ने सुदामा का चाना दिया था, बोले कृष्ण को दे कर खाना, इसको बिना दिए खा लिया, इसलिए ये गरीब बना। धनी का बना जब फिर कृष्ण दर्शन के लिए गए, ठाकुर जी के लिए चाना लेकर गए थे, ठाकुर जी के लिए चिड़वा लेकर गए थे, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं गुरु अपने 2 मुट्ठी खा लिया ना, इसके घर में सब कुछ ऐश्वर्य घर में पहुंच गया, तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगा। हम लोग देखे टीवी में देखे है ना, जब घर में आए सोने के महल बना हुआ था, पत्नी राज रानी बनी हुई थी, पत्नी को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए अगर भगवान को देकर खाओगे ना घर में खूब माल आएगा। पता पैसा कौन नहीं चाहता, दुनिया चाहता है पैसा चाहता है। अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी आए, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाया करो, देखना घर में लक्ष्मी अपने आप घर में लक्ष्मी आएगी, अपने आप घर में लक्ष्मी आएगी ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे तो। क्योंकि हम जो कुछ खरीदी करते पैसा से, किससे खरीदी करते हो बोलो, किससे खरीदी करते हो, पैसा को लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी नारायण की ना तुम्हारी, नारायण है। जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी तब लक्ष्मी घर में आएगी, अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना फिर क्या करेगी आती हो, बड़ी बड़ी बीमारी ले आएगी, फिर वहां मामला मुकदमा ले आएगी, घर में अशांति लगा देगी लक्ष्मी। क्यों, लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो। इसलिए अगर चाहते हो घर में शांति सुख बने रहे, क्या करो जो कुछ खाओ ठाकुर के सामने धर दो, घर में ठाकुर होएंगे ना, घर में ठाकुर जी तुलसी पत्ता से ठाकुर को भोग लगाओ, लेकिन प्याज लहसुन को कोशिश करना, प्याज लहसुन को नहीं खाने के लिए, और भगवान का नाम जप करो, बच्चों को भी संस्कार दो। और देखो कल है ना हमारे मंदिर में, अभी जो प्रभु जी आपको कथा सुना रहे थे, अभी हम हर महीना में एक सेमिनार रख रहे हैं, शनिवार और रविवार, शनिवार रविवार 2 दिन मंदिर में सेमिनार हम रखते हैं, रख करके लिए बच्चे क्लास देते हैं बच्चों को, सर्च फॉर हैप्पीनेस, जीवन में सुख कैसे मिला, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है कि नहीं, हुआ माय, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इस विषय पर ये मंदिर में क्लास बच्चों को देते हैं, जैसे बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार बने, बच्चों का पढ़ाई भी बढ़िया हो, बच्चों का पढ़ाई भी बढ़िया हो, बच्चे पिता माता की आदर करें, इसलिए ये बच्चों को क्लास देते हैं। कल हम लोग मंदिर में क्लास हो 11 से लेकर के 1 बजे तक 2 घंटा क्लास होगी, और उसके बाद में मंदिर में प्रसाद सभी के लिए, प्रसाद भी होगा सबके लिए। इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग कल आना, क्या करोगे, कल आओगे, कौन आएगा, देखो जरूर आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें देखो हम जितने जो पैसा कमाते हैं ना बच्चों के लिए, बच्चे अगर अच्छे बन गए ना सब कुछ कमाना धमाना सही हो जाएगा, है, इसलिए जरूर आया करो, खुद भी आओ और अपना बच्चों को, अगर चाहते हो हम घर अयोध्या बने, हमारे घर, हमारे घर में भगवान की भक्ति के माहौल बने रहे, घर जिस घर में भजन पूजा अपना वो घर सख्यात गोलोक वृंदावन, वही घर ही वृंदावन है जिस घर में भगवान की भक्ति भजन पूजा हो। अगर चाहते हो कल कितना बजे आओगे बताए, सबके सब आने में कल देखूंगा कौन आए कि नहीं आए, सब अपना बच्चों को अकेले नहीं, बच्चों को लेकर गया। देखो आप लोग कभी कभी कहते ना बाबा बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं, सब बोलते ना बच्चे बात नहीं सुनते, आप बताओ बच्चों को, जैसे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं क्लास में सवेरे जाते हैं, उनको 5 बजे हम उनको उठा देते हैं, उठा करके स्नान करा के उसको खाना दे करके छोड़ देते हैं, 5-6 बजे छोड़ देते हैं, जब बच्चे को इतने जल्दी उठा करके पढ़ाई के लिए इसको छोड़ देते हो, आप बताओ बच्चे कहाँ बिगड़ते हैं, घर में बिगड़ते हैं ना कॉलेज में बिगड़ते हैं, बताओ बताओ कहाँ पर बच्चे बिगड़ते हैं,
कोई पिता माता चाहते हैं बच्चे हमारे बिगड़े, सिगरेट पिए, गंदे काम कर, कोई नहीं चाहते। ये जितने बिगड़ते हैं ना स्कूल कॉलेज में जाकर बिगड़ते हैं, वही तो बिगड़ते हैं ना। घर में कोई बच्चा बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता। और थोड़ी सी अगर बच्चे को ज्यादा लिखाई पढ़ाई सिखा दो ना, क्या बोलते पिता माता, वे तू गमार तू क्या जानते हो, हमने इतने पीएचडी की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, इतने पढ़ा देते, पिता माता को उल्टा ही था बोलने लग जाते। जो उसको जोर जबरदस्ती स्कूल कॉलेज में भेज सकते हो, जहाँ बिगड़ जाए, पढ़ाई तो करते लिए, लेकिन जहां पर आने पर बच्चे सुधर जाएंगे, बच्चे सुधर जाएंगे। हैं देखो इनका भी एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, देखो ये बच्चे को देख लो, बच्चा बैठा है, तिलक लगा, गले में कंठी, पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं, कल सबके सब अपना बच्चों को लेकर आना है, ठीक है? बच्चों को लेकर आना। कितने बजे आओगे? कितने बजे? 11 बजे आओगे कि नहीं? सबके सब जरूर लेना बच्चों को लेकर आना। और वहाँ पर सुनने को बहुत अच्छा लगेगा, देखे ना, बच्चों को भी बढ़िया अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं घर घर में ठाकुर का नाम कीर्तन हो, हर घर अयोध्या बन जाए। हर घर क्या बन जाए? अयोध्या मतलब जहाँ पर युद्ध नहीं है, हर घर वृंदावन बन जाए, जहाँ पर वहां के बिहारी रहते हैं। हैं, हम ये चाहते हैं घर घर भगवान का नाम कीर्तन हो, घर में शांति सुख हो। इसलिए आप लोग और एक काम करना, जैसे श्री माता ने अपना घर में भक्तों को बुलाया, देखो जिस घर में भक्त लोग आते हैं, जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन हो ना, कहते हो घर घर नहीं हो भगवान का धाम बन जाता है। कितना मंगल भवन अमंगल हर, जिस घर में प्रभु का कीर्तन नाम हो, घर में कोई पाप नहीं रहता है। जैसे ठाकुर का कीर्तन हो रही है ना, सत्संग हो रही है, जिस घर में कीर्तन सत्संग हो, बात मत करो, जिस घर में कीर्तन सत्संग हो ना, घर का सारे पाप घर से निकल जाते हैं, सारे पाप। भागवत में बताया सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, जहां पर ये सत्संग हो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर बैठ जाते, उसी घर में बैठ जाते हैं। ये भागवत कहता है पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में आ जाता है। इसलिए आप लोग भी जैसे अपना बच्चों का गई जन्म तिथि हो, जैसे आपका शादी की साल ग्रह हो, क्या करना है, पास मंदिर में, मंदिर से भक्तों को बुला, घर में हरि कीर्तन हो, हम लोग उनका आशीर्वाद देते हैं, बच्चों को वेद मंत्र पढ़ करके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जैसे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। गुरुजी आज इनके भी मैरिज एनिवर्सरी है। आपकी है? भाई प्रभु जी कहाँ हैं? आ रहे हैं प्रभु जी, जल्दी जल्दी बुलाओ। हाँ जी आ। कितना समय लगेगा? बस 2 मिनट। ठीक है, सबको सबका हम आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? आप लोग भी घर के भी बुलाना, ठीक है ना? देखो कभी कभी हम इधर उधर लोग को बुला करके, अभी तो शराब पीना, उल्टा पुल्टा खान पान करते हैं, ये सब गंदी चीज है, ये सब गंदी चीज, अच्छी चीज नहीं। बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार नहीं पड़ती है, बुरा संस्कार पड़ता है, हैं? इसलिए अगर भक्तों को हरि कीर्तन करो उस बच्चों का अच्छा बनेगा, ठीक है? एक भजन गा लो, हरि का भजन, हरि का भजन करो। हरि हमें भी आ गया, वो तो सुन सुन के याद हो गया। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन I'm
हरी वैष्णव सेवाएं चल रही हैं। अब वो डॉक्टर है? हाँ जी। हाँ अच्छा हो गया। इनके जो ससुर जी थे ना, ये पूरे मतलब ये बहुत बढ़िया सर्जन थे ना। हाँ मतलब इनके पति भी वही हैं। हाँ इनके पति भी वही हैं। अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी पापा वाली आदत है। बहुत अच्छा। वो भी बहुत